अब आपके बाल होंगे दोस्तों जड़ों से काले, ना तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत है। अब आपको सफ़ेद बालों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आया हूँ जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए सफ़ेद बालों से छुटकारा मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। आगे की जानकारी दूँ उससे पहले, आप हमारी यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारा पिछला थैंक्स जाता है पद्मा जी को और अंकिता जैन जी को, जो कि शिमला से हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ले लेनी है चाय पत्ती, जिसका इस्तेमाल दोस्तों हम चाय बनाने में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चाय का इस्तेमाल हम अपने बालों में भी कर सकते हैं? नहीं करते हैं तो दोस्तों आज आपको चाय का इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें इस्तेमाल करना है मेहंदी का, जो आप अपने घर में रखते हैं, अपने हाथों पे लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं। लेकिन इससे दोस्तों आपके जो बाल हैं वो ना तो लाल होंगे ना ही सफ़ेद होंगे, आपके बाल जड़ों से काले होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लगभग आपको 1.5 चम्मच के आसपास चाय पत्ती ले लेनी है। चाय पत्ती लेने के बाद दोस्तों आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। चाहे तो आप फिल्टर का पानी ले सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं बारिश का पानी, दोनों में से कोई सा भी पानी आप ले सकते हैं। फिर आप गैस पे इसको रख दीजिए और इसको अच्छे से उबाल लीजिए 5 से 7 मिनट तक। इसको दोस्तों अच्छे से उबालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यह दोस्तों होम रेमेडी आपके बालों पर सही तरीके से वर्क करेगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से धीरे धीरे उबालना चालू कर दिया है। अब धीरे धीरे गैस की फ्लेम को मैंने पहले तो मीडियम पे रखा है, फिर दोस्तों मैं लास्ट में 1 मिनट तक गैस की फ्लेम को हाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो पानी है उबलना स्टार्ट हो गया है, और लगभग 1 मिनट तक मैं इसको अच्छे से उबालूंगा, फिर गैस की फ्लेम को जो है मैं बंद कर दूंगा। आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज़ जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि आप इसमें 7 के 7 चम्मच भी ज़रूर घुमाते रहें, ताकि जो चाय पत्ती हमारी ऊपर आ जाती है वो पानी के अंदर ही रहे, और जो चाय पत्ती के पोषक तत्व हैं वो इस पानी के अंदर आ जाएं। तो अब अच्छे से मैंने मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। फिर पानी को ठंडा करने के बाद एक अलग कटोरी में छलनी की मदद से आपको इसे छान लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इतना पानी हमें 1 गिलास में से बचा है। फिर आपको क्या करना है, एक लोहे का तवा लेना है, और फिर उस पर ये सारा का सारा पानी आपको ऐड कर देना है। और दोस्तों तवा आप लोहे का ही ले, लोहे का तवा दोस्तों क्यों लेना ज़रूरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, लगभग 3 चम्मच के आसपास आपको इसमें ऐड कर देनी है मेहंदी। मेहंदी ऐड करने के बाद दोस्तों आप इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसको अच्छे से इस पानी में मिक्स कर लीजिए, यानी थोड़ी देर 5 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लीजिए। तवे के दोस्तों लोहे लेने का कारण ये है कि इसके दोस्तों कुछ आयरन्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए दोस्तों आपको तवे लोहा वाला लेना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो मेहंदी का कलर है वो चेंज होने लग गया है, और दोस्तों जैसे ही कलर चेंज हो, आपको 2 मिनट हो जाए इसको अच्छे से पकाते हुए, तो आपको दोस्तों इसमें एक चीज़ और जो खास होगी हमारे बालों के लिए वो भी इसके अंदर ऐड करनी है, और वह चीज़ कौन सी है दोस्तों चलिए आइए जान लेते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी गैस की फ्लेम को जो है वो सिंपर कर देता हूँ। मैं दोस्तों गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है, आपको हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। वो चीज़ दोस्तों खास है कॉफ़ी, कॉफ़ी से दोस्तों हमारे बालों में जो है वो नेचुरल कलर आता है, इसलिए दोस्तों हम इसमें लगभग दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच के आसपास इसमें ऐड कर रहे हैं कॉफ़ी। मेहंदी हमारी काफ़ी क्वांटिटी में थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो भी है हमारा आज की होम रेमेडी बन के तैयार हो रही है वह हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अब दोस्तों आपको कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से इस पर जला लेना है, यानी थोड़ा सा पका लेना है, ताकि यह दोस्तों हमारे बालों पे प्रॉपर तरीके से असर करे। अब दोस्तों हमारी जो ये खास रेमेडी है वो बनके तैयार होने वाली है। अब दोस्तों जब भी आप इसको लगाएं तो सुबह या शाम के टाइम किसी भी टाइम आप इसको लगा सकते हैं, और लगभग दोस्तों 2 से 3 घंटे तक इसे आप अपने बालों पर लगे रहने दें, अच्छे से अपने बालों की जड़ों तक इसको लगाएँ, और फिर दोस्तों आप अपना सर धो लीजिए। दोस्तों रिजल्ट आपके आंखों के सामने आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ अक्सर इसका इस्तेमाल करती है। कैसी लगी है दोस्तों आज की हमारी खास ट्रिक, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं चलता हूं, मुझे दीजिए अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।